पे हो लंगड़े, ले खा ले खाना। भाभी ऐसा खाना कौन देता है? ऐसे ही मिलेगा तुझे खाना, ठीक है ना? खाना है तो खा, अन्नी तो दफा हो जाए ऐसे, चुपचाप खा ले। अन्नी एक टांग तो तेरी टूटी हुई है, दूसरी भी तोड़ दूंगी। खुद तो तेरा भाई वहां चला गया फौज में, मेरे सर पे छोड़ गया सर दर्द। चुपचाप खा ले, खाना है तो अन्नी ले जाऊंगी इसको भी ठाके। भाभी खाना तो मैं खा लूंगा, पर आप ऐसा तो मत बोलो। देख मेरे से ना जबान मत लड़ा, ठीक है? चुपचाप खा, खाना है तो, नहीं तो मैं इसको ले जा रही हूँ, ये भी नहीं मिलेगा, भूखा सड़ेगा। और खाना खा के ना प्लेट रख दियो किचन में, और पोछा मार दे सारे को। चलो ठीक है भाभी, खाना तो खा लूंगा, तुम अपना काम करो। देख खाना है तो खा ले चुपचाप, अभी तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी और तेरे भाई को बोल दूंगी कि भाग गया घर से, समझा? चुपचाप खा इसको। हेलो ज्योति। हाँ कैसे हो शिव? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कब आ रहे हो वैसे? हाँ हाँ वो तो मैं आ ही रहा हूँ, जल्दी आऊंगा, टेंशन मत लो। भाई कहाँ पर है? तुम्हारा भाई? हाँ तुम्हारा भाई भी अच्छा है। हाँ भाई की तबीयत तो खराब नहीं है, ठीक है ना? नहीं नहीं तुम्हारे भाई को क्या होगा, ठीक है तुम्हारा भाई तो? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तुम्हारे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। बात करो भाई, मुझे बात करनी है। अच्छा तुम्हें अपने भाई से बात करनी है? वो ना अभी खाना खा रही, मैं एक मिनट रुको अभी बात करवाती हूँ। अबे और लंगड़ी सुन, तेरे भाई का फोन है, ध्यान से बात करना। अरे उल्टा सुधा बोला ना मेरे बारे में तो घर से निकाल दूंगी, खाना भी दूंगी तुझे। ये बात कर। हेलो भाई कैसा है तू? हाँ भैया तुम कब आ रहे हो? हाँ हाँ वो तो मैं आ ही रहा हूँ, जल्दी आऊँगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, तुम बॉर्डर पर रहो और देश की रक्षा करो। बहुत होगी तेरी बात, चुपचाप खा ले इसको। अरे भैया तुम? हाँ भाई मैं। तुम तो बॉर्डर पे थे। हाँ बॉर्डर तो था, और हाँ मैंने सब सुन लिया, सब देख भी लिया है। तुम किस तरह से भाभी दर्दारी करते हो, वो तुम पे इतना जुल्म आती है और तुम वो किसी दर्दारी करने को ले जाते हो, बस वो शिकायत भी नहीं किया तुमने उसके बारे में। मैंने सब सुना है जो जो तुम पर जुल्म ढाया उसने, तुमसे इतना काम करवाती, घर पर बोलती थी कि नहीं मैं इतना ध्यान रख रही हूँ और ये वो, ध्यान तो रखती नहीं, परेशान अलग करती तुम्हें, तान अलग मारती है। छोटे अब मैं आ गया ना, सब ठीक करूँगा। ज्योति अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो? अरे तुम कब आए सर? यहाँ बैठी हुई तुम मजे कर रही हो, यहाँ बैठे मोबाइल चला रही हो, वहाँ मेरे भाई ठंड में इतनी फर्श पर वहाँ बैठे हुआ, तुमने पोछा लगवा रही हो उससे? अरे मैं काम करवाती नहीं, वो खुद ही करते हैं काम। मेरे सामने ज्यादा नोटिंग करने की जरूरत नहीं, मैं सब अपनी आंखों से देखा सुना है कानों से, तुमने किस तरह से कितना जुर्म ढाती हो उस पर। कहना क्या चाहते हो तुम सिर्फ? तुम्हें ना कुछ गलत फहमी हुई होगी। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया अच्छे से। तुमने कैसे कैसे मेरे भाई पे जुर्म ढाया है, वो तो मेरा भाई इतना अच्छा है कि वो कुछ शिकायत करता नहीं है, मैं इतना जुर्म ढाने के बावजूद भी वो इतनी तारीफ करता तुम्हारी, तुम हो क्या ऐसा कर रही हो उसके साथ? अरे नहीं नहीं सुयब तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ भैया का। आगे से ध्यान तुम जब रखोगी, तुम यहाँ रहोगी, तुम यहाँ रहोगी तो गलती क्या करोगी? सॉरी सुयब मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे से ना कोई गलती नहीं करूंगी, इस बारी माफ कर दो, मैं तुम्हारे भाई का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। सॉरी सुयब। निकलो मेरे घर से अभी भी निकलो।